रीवा नगर निगम में एकल खिड़की सेवा शुरू की गई है, जिसका लाभ नगर वासियों को मिलेगा। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी महापौर अजय मिश्रा ने घोषणा की थी कि वह चुनाव जीतते ही शहर वासियों की सुविधा के लिए नगर निगम में एकल खिड़की सेवा शुरू करेंगे, जिसके तहत आज एकल खिड़की सेवा शुरू की गई है। यह सुविधा शहर वासियों के लिए शुरू करते समय महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि अपने घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने यह सुविधा शुरू की है। इसमें साफ सफाई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर सभी सुविधाओं की जानकारी अपडेट रहेगी और शहरवासियों को अलग अलग कक्षाओं में भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही काउंटर में सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी मॉनिटरिंग नगर निगम आयुक्त और स्वयं महापौर करेंगे। अगर लोगों को निर्धारित समय पर जानकारी या उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। शुरू की गई सेवा के संबंध में जानकारी देते हुए अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि समय पर लोगों को सुविधाएं मिले, इसके लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या जानकारी दी है। सर आगे आइए। ये अपने ये घोषणा पत्र में था जो अपन मेयर का चुनाव लड़ रहे थे 45 वार्डों के पार्षदों के साथ, तो उसमें यह था कि एकल खिड़की की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कि जो नगर निगम में आवेदन लेकर भटकते हैं लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत प्रमाण पत्र के लिए, नल में पानी नहीं आ रहा है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आपके सेप्टिक टैंक भर गया है, नालियाँ चौक है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकते थे लोग, अब वो उसमें देंगे। उसका डेट बना दिया गया है कि 3 दिन में नाली की सफाई का निदान होगा, 5 दिन में पानी की समस्या का निदान होगा, 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र का निदान होगा। ये सारी समस्याओं का एक ही खिड़की में निदान होगा और वो बाकायदे रजिस्टर्ड होंगी और उसका मॉनिटरिंग नगर निगम के हमारे सम्मानित आयुक्त और मैं करूँगा, जिससे कि उस पर कोई वो ना हो। और वो कुछ दिन बाद जो हमारे यहाँ का नगर निगम का पोर्टल बन रहा है उसमें वेबसाइट में भी दिखाई देगा। नहीं, निदान नहीं होगा तो उस पर किस कारण निदान नहीं हुआ है उसकी छानबीन की जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि बहुत पुराना जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, 2 साल 2.5 साल 3 साल, तो वो जाएगा तहसील में, तो तहसील से होकर जब वो वहाँ से आदेश होगा तब बनता है। मेयर हेल्पलाइन चालू हो गया, मेयर हेल्पलाइन का टेंडर हो गया है, 1.5 महीना के अंदर वो जब चालू हो जाएगी तो उसी चीज़ को लिंकअप कर दिया जाएगा।